नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे न्यू वीडियो में। और दोस्तों, अभी ना सुबह के 6 बज रहा है, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और दोस्तों, ये देखिए, मैं दिखाता हूँ ब्यूटी क्या कर रही है। यहाँ पे देखिए, ब्यूटी ने बर्तन धो रही है। हो गया, तो अब क्या करोगे? अब इसे रख के आना है, फिर नहाऊंगी, पूजा करूंगी और फिर खाना बनाऊंगी। खाना क्या बनाऊंगी? सब्जी चावल। सब्जी चावल ऐसा करो ना, यहाँ पे साग है, मुनगा साग, उसका पकौड़ा बना लो ना। बना लूंगी यहीं पे। दोस्तों चलिए, मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पे है इधर, अच्छा अच्छा पता, एकदम से बच्चा वाला पकौड़ा वाला पत्ता ही है दोस्तों। ये देखिए, ये वाला, यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था लेकिन वो कट चुका है, तो ये छोटा ही है। इसको दोस्तों हम लोग एक बार बड़ा कर रहे थे थोड़ा थोड़ा, लेकिन ये छुटकी की मम्मी ने सब चढ़ गई थी, खा गई थी, तो अभी थोड़ा सा बड़ा है, तो इसी का सोच रहे दोस्तों। बहुत अच्छा अच्छा बच्चा वाला पत्ता है। और ये देखिए, कौवा को कौं कौं कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, धूप निकल चुकी है, उस पेड़ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का। तो चलिए दिखाता हूँ दोस्तों दिव्यांश कहाँ है। और दोस्तों देखिए, दिव्यांश को वहाँ पे गए। दिव्यांश अच्छा इधर। और ये देखिए दोस्तों, दौड़ के आ रहा है। कैसे? इसमें हाय कर दो, हाय कर दो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से बोल दो बेटा, बोल दो। इधर देखो, इधर देखो। देखिए दोस्तों कैसे कर, इधर इधर देखो। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों देखिए कैसे कर रहा है ये, बोल दे एक बार, गुड मॉर्निंग। देखिए नौटंकी कैसे कर रहा है, जब भी बोलूँगा गुड मॉर्निंग बोलने के लिए तो। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, हमारा सना कितना बड़ा बड़ा हो गया, ये देखिए। और ये जो बांधे हुए थे, सो ये ऐसे ही है। बेटा गुड मॉर्निंग बोलो ना, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और दोस्तों इधर देखिए जोधा को, जोधा जाएगी दुर्गा पूजा देखने। तो पहले गुड मॉर्निंग बोलो तब जाओगे। गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग, डुंग मॉर्निंग। दोस्तों दिव्यांश बोला, एक बार फिर से बोलो, गुड मॉर्निंग। दोस्तों दिव्यांश की तरफ से आप सभी को डुंग मॉर्निंग। तो चलिए अब चलते हैं घर। और ये देखिए दोस्तों, चना कितना अच्छा हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, कहाँ चल रही सारा कुछ लेकर, नहाने जा रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, ब्यूटी जा रही है नहाने। यहाँ पे एक मिनट रुक तो जाओ। नहाने जा रहे ब्यूटी। और ये देखिए, पूजा का लोटा है और दीप है। तो चलो तुम तब तक नहा लो, और तब तक मैं भी वीडियो अपलोड करके आ जाता हूँ। और दोस्तों कुछ दिन से ना वीडियो अपलोड ही नहीं हो पाता, पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से। और इसी की वजह से कल परसों वाला वीडियो ना 12 बजे अपलोड करना पड़ा मुझे, और आज का देखते कब अपलोड हो जाए। तो चलिए अब चलते हैं छत पे। पहले मैं 5:30 बजे चला जाता था, 5:30 बजे है ना, 5:30 बजे, तो 8 बजे तक अपलोड हो जाता था, 2-3 घंटा लगता था। और आज तो 6:30 हो चुका है, तो चलिए देखते हैं। आज का छोटा ही वीडियो है तो हो जाना चाहिए। चलो तुम नहा लो तब तक। दोस्तों ये देखिए, इतना सारा पत्ता हम लोगों ने तोड़ लिया। सोजन का पत्ता है दोस्तों, इसे मुनगा साग बोला जाता है। तो मुनगा का साग इतना सारा तोड़ लिया। तो दोस्तों अभी ना थोड़ा सा धूप निकल चुकी, क्योंकि मुझे ना जंगल में थोड़ा सा काम था, तो मैं जंगल में चला गया था और अभी आया हूँ जंगल से। तो ये देखिए अभी थोड़ा सा धूप निकल चुका है और लेट भी हो चुका है दोस्तों। तो चलिए फिर अब बना लेते हैं, है ना। और ब्यूटी ये देखिए कर रही है डंठल, इसका निकाल रहे दोस्तों, इसका डंठी। तो चलिए और अब सारी चीज तैयारी करते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये देखिए, मैंने यहाँ पे प्याज काट रहा हूँ, ये देखिए प्याज, हरा मिर्च काटना है मुझे। और ब्यूटी वहाँ पे मसाला पीस रही है। और दोस्तों अभी अभी ना मामा जी आए थे खाना खाने, लेकिन जब उनको पता चला कि पकौड़ा बन रहा है, तो बोले कि जल्दी से बना लो, हम थोड़ी देर बाद में खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत टेस्टी बनता है। फेंक फेंक के दे दी कोई सामान, अभी जीरा ना ऐसे करके हम फेंक के दी, वो पूरा गिरा ली जीरा वहाँ पे। दोस्तों मैं पानी अब मैं फेंक के दू। ले जाना प्लीज। और ये देखिए दोस्तों, सब कुछ रेडी हो चुका है और हम लोग ना इस गली में आ चुके हैं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे चावल का आटा है दोस्तों, इसी में हम लोग बनाएंगे, बेसन हमारे पास नहीं है। तो ये देखिए दोस्तों, इस चावल के आटा में ब्यूटी ने हल्दी पाउडर डाल दी है। और फिर ये देखिए यहाँ पे साग है,
और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ना ब्यूटी इसमें हल्दी पाउडर और नमक डाल दिए और ये साग को भी धो के डाल दिए। दोस्तों हमने सारा रिकॉर्ड कर लिया था लेकिन रिकॉर्डिंग बटन ऑन ही नहीं किया था, तो ये दूसरी बार ऐसा हो गया दोस्तों। और लाल मिर्च नहीं रखे हैं क्योंकि और... ये हरी मिर्च ना बहुत ज्यादा तीखा है। हाँ, लाल मिर्च नहीं रखे क्योंकि ये हरी मिर्च बहुत तीखा है। तो ये देखिए हमने जो मसाला पीस के रखा है, जीरा मरीच और लहसुन का, वो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है दोस्तों। और फिर इसमें जाएगा ये, और फिर इसमें जाएगा दोस्तों प्याज और हरी मिर्च, है ना। फिर सबको अच्छे से मिला लेंगे। और ये देखिए दोस्तों राधिका को, राधिका ना आज हमारे यहाँ जाएगी, राधिका और छोटी वाली मम्मी। तो चलिए, और ये रास्ता है बाड़ी में जाने का, हम लोग इसी रास्ते में बैठ चुके हैं। तो राधिका जा रही है कल पे थाली धोने, खाना खाकर। और ये देखिए दोस्तों ब्यूटी मिला रही है इसको, दोस्तों बहुत टेस्टी बनता है इसका पकौड़ा, चटनी भी बनता है इसका, चटनी भी बनता है। चटनी तो हम लोग बराबर खाते हैं ना। और दोस्तों ये ना टेस्टी के साथ बहुत ही हेल्दी भी होता है, तो ये मोरिंगा दर्द में काम आता है। हाँ, इसका ना ढेर सारा फायदा होता है दोस्तों। मोरिंगा बोलते हैं इसको, इंग्लिश में ड्रम स्टिक बोलते हैं साथ दोस्तों, हाँ वही बोलते हैं, और मोरिंगा भी बोलते हैं। तो इसका ना हर चीज का मतलब फायदेमंद होता है सेहत के लिए। जो चीज भी मिले ना दोस्तों, अगर आपके आसपास अगर होता होगा तो इसका जो चीज मिले वो खा लीजिए। जैसे ये पूरा फरेगा, सहजन बोलते हैं इसको, तो फड़ेगा तो वो तो होता है, उसका सब्जी बनता है। और ये पत्ते का पकौड़ा, इसका जड़ भी काम आता है कई दवा में, है ना। तो दोस्तों ये बहुत हेल्दी होता है। और ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और दोस्तों ये देखिए मैं इसे अच्छे से मिला दी हूँ, तो इसे ना थोड़ा देर के लिए ढक के रख देते हैं और तब तक ना आंच चला लेते हैं। हाँ, जब तक आंच चलाएंगे तब तक थोड़ा सेट भी हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए पहले माचिस तो ये पकड़ दो। और ये देखिए दोस्तों ब्यूटी ने यहाँ पे आंच चला ली है और कढ़ाई में तेल भी डाल दिए, ये देखिए। तो चलिए अब बनाएगी ब्यूटी पकौड़ा। तो चलिए दोस्तों, अब ना तेल भी गर्म हो चुका है, तो ब्यूटी ये देखिए सारा सामान इधर रखी है और अब पकौड़ा बना बना के इसमें डालेगी दोस्तों। ये देखिए इस साइड हम, इस साइड में हूँ, और ये देखिए देखिए दोस्तों ब्यूटी डाल रही है इसमें गोल गोल बना बना के पकौड़े। बहुत टेस्टी बनता है दोस्तों ये पकौड़ा और बहुत हेल्दी भी होता है। और दोस्तों यहाँ पे देखिए दिव्यांश को, ये भी आ चुका है इधर से। और इधर है ब्यूटी जो बना रही है मुनगा साग के स्वादिष्ट पकौड़े। और दोस्तों मेरा बैटरी भी डाउन हो गया, तो चलिए कोई नहीं, आज लाइट है। और देखिए दोस्तों ये कितना अच्छा लग रहा है, हरा हरा सा पत्ता उसमें आ रहा है दोस्तों। और ये खाने में उतना ही स्वादिष्ट होता है दोस्तों, ये मुनगा साग के पकौड़े देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो अब दोनों साइड में जब ये सीख जाएगा अच्छे से तो निकाल लेगी ब्यूटी, और इतना और है। और ये देखिए दोस्तों पकौड़े ना बनके तैयार हो चुके हैं, और इधर ब्यूटी और जो थोड़ा सा बाकी है उसको बना रही है। ये देखिए दोस्तों काफी टेस्टी बन गया है दोस्तों, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो चलिए उसको भी बना लेते हैं, फिर आपको टेस्ट करके बताएंगे दोस्तों कैसा बना। दोस्तों ना बहुत हेल्दी होता है। और दिव्यांश को देखिए वहाँ पे, और देखिए दोस्तों दिव्यांश को यहाँ पे, इसको दीजिए ने बोला खाने देने के लिए। और दोस्तों दिव्यांश ने बोला है खाने देने के लिए, तो चलिए पहले दिव्यांश को खिला कर देखते हैं और दिव्यांश का क्या रिएक्शन आता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों अभी तो बहुत गर्म है बेटा, गर्म है अभी, गर्म है, ये देखो गर्म है अभी। पकेगा पकेगा पकेगा, ये देखो पाकू है, छू के देखो पक जाएगा, नहीं पाकू है। और दोस्तों बहुत गर्म है लेकिन इसको खाने का मन है, तो बोला कि नहीं पाकू है, तो है ना पाकू, है पाकू, बोल रहा है पाकू। बहुत नौटंकी करता है दोस्तों। तो चलिए मैं दिव्यांश को थोड़ा सा ठंडा ठंडा करके खिला देता हूँ दोस्तों। ये देखिए सारे पकौड़े ना बन के तैयार हो चुका है, तो ब्यूटी निकाल रही है सारे पकौड़े को। और ये देखिए इतना सारा हुआ है, तो चलिए फिर और अब खाना खाते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है, आपको बताते हैं दोस्तों। ये देखिए क्या हुआ दोस्तों, दिव्यांश मिर्ची लगता है खा लिया, देखो 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 तीतर लग गया, पानी लेते हैं। दोस्तों ये देखिए हम लोग का खाना आ चुका है, मैं लेके आई हूँ, और ये चावल है, ये सब्जी है आलू बैगन और मूली का, और ये रहा पकौड़ा। तो चलो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। और ये देखिए, और दोस्तों जब भी ब्यूटी खाने बैठेगी ना दिव्यांश बोलेगा न खो न खो न, तो वही बोल रहा है
ये देखिए दोस्तों, सच में बड़ा ही टेस्टी बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर आप लोग के आसपास मिलता है तो जरूर बना के खाइएगा। वैसे तो ये हर जगह पे मिलता है ना। हाँ, और दोस्तों ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होता है, तो जरूर बना के खाना। और दिव्यांश देखिए परेशान कर रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ना खा लेते हैं, ये दोबारा हम लोग खाना खा रहे हैं ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखिए दिव्यांश कैसे गुस्सा कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कर दो बेटा बाय बाय, बाय बाय कर दो। और देखिए दोस्तों, दोनों झगड़ा कर रहा है। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो बेटा, दीदी होगी दीदी। और ये देखिए दोस्तों, झगड़ा हुआ और खेलने लगा, आप ऐसे ही खेलने लगा। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए हंस रहा है, हंस रहा है, ये देखिए उसके चेहरे पे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।